हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब में। दिस इज सुप्रिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पे बेस्ड जेई मेन 2017 एंड 2018 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारा जेई मेन 2017 का क्वेश्चन देखें तो वो पूछा गया था, अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू 60 एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 second विल बी। आपसे यहाँ पे पूछा गया है वर्क डन निकालने के लिए, फोर्स का टाइम के साथ इक्वेशन दिया है जो कि 60 है, मास 1 kg है और आपको निकालना है कि 1 second में कितना वर्क डन होगा इस गिवन फोर्स के द्वारा। तो फिर सबसे पहले जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से अगर आप निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ उसका इक्वेशन है, इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है फोर्स चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चूंकि वेरिएबल फोर्स में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम में फ्रेंड्स, जो आप वर्क डन लिखते हैं बाय फोर्सेस इज इक्वल टू उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां से ये निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेलोसिटी पहले निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप वेलोसिटी कहां से निकालें? यहां पे फ्रेंड्स आपके पास एक ही इक्वेशन गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू 60 एंड मास इज गिवन 1 kg। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसी इक्वेशन से वेलोसिटी निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इम्पल्स वाला इक्वेशन लिखें, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फ्रेंड्स, इम्पल्स जो डिफाइन होता है वो FdT फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम चेंज। चेंज इन मोमेंटम फ्रेंड्स m इंटू वी माइनस का u, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। फ्रेंड्स, हियर गिवन दैट पार्टिकल इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स u इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, यहां आप इसको डायरेक्ट m भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, फोर्स चूंकि आपको 1 second में निकालना है, 1 second इंटरवल पे, तो फ्रेंड्स आप इसको इंटीग्रेट कर दे 0 से 1 टाइम इंटरवल में। तो फ्रेंड्स, फोर्स जो आपको दिया है 60 dt 0 to 1 एंड ईयर m भी। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रेंड्स, ये आएगा t² / 2 0 से 1, मास इज गिवन 1 एंड आपको वेलोसिटी निकालना है। तो आप यहां से फ्रेंड्स वेलोसिटी जब निकालेंगे, आप यहां पे 1 पुट करेंगे, 1/2 3/1, तो 3 m/s आपका आ गया वेलोसिटी। अब फ्रेंड्स, आपको अब यहां से डायरेक्ट यहां लगा सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v² - u². फ्रेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए आपका ये डायरेक्ट हो जाता है हाफ m v², मास इज 1 kg एंड वेलोसिटी 9। तो फ्रेंड्स, यहां से आपका आंसर है 4.5 joule। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देखें ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि जेई मेन 2018 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल यू इज इक्वल टू -k/2r² इट्स टोटल एनर्जी। फ्रेंड्स, यहां पे गिवन इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो सिर्फ दो चीज है, एक तो कि वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसका पोटेंशियल जो है वो यू इज इक्वल टू -k/2r² गिवन है। मीन्स पोटेंशियल का रिलेशन जो है वो डिस्टेंस के साथ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आप इस क्वेश्चन में आपको निकालना है टोटल एनर्जी, जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी तो गिवन है, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? फ्रेंड्स, यहां पे आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स हम जो लिखते हैं वो -dou/dr। यहां पे फ्रेंड्स हम पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमें जो मिलता है वो कंजर्वेटिव फोर्स मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको डिफ्रेंसिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन -k/2r² / dr, तो आपको जो यहां पे आएगा फोर्स वो आएगा k/r³। फ्रेंड्स, अब जो आपके पास सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन था वो था कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है,
तो फोर्स जो हम सर्कुलर पाथ के लिए लिखते हैं वो एम बी स्क्वायर बाई आर। आपका जो फोर्स यहां से कैलकुलेटेड आया है वो है के बाई आर क्यूब इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से जो आपको वेलोसिटी मिला फ्रेंड्स वो मिला, आप यहां से निकालें आर से यहां कटेगा आर स्क्वायर, तो जो आपको वेलोसिटी आएगा वो आएगा के बाई एम आर स्क्वायर। आपको फिर से निकालना है काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहां से फ्रेंड्स वी एम वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें, वो होगा के बाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब जब काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है हाफ के बाई आर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अब टोटल एनर्जी लिखें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आएगा हाफ के बाई आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवेन माइनस के बाई टू आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। तो फ्रेंड्स आपका आंसर सी करेक्ट है, जीरो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे एंड आप प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें ताकि जेईई मेन 2019 आपका बढ़िया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।